तो अभी इसको निकालेंगे और देखेंगे कैसे बनाए। शक्ल से तो बहुत अच्छा दिख रहा है, ये देखो कैसा लगा। मैं नहीं बोलूंगी, आप इसे देख सकते हैं। बेस्ट कॉम्प्लीमेंट। हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं प्रियंका एंड होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और यहाँ पर मम्मी और मैं बैठ के प्रीवियस ब्लॉग देख रहे थे, क्योंकि मम्मी बोल रही थी कि दिखाओ दिखाओ, तो इसलिए मैं उसको दिखा रही थी। और बस आज का ब्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हैं, और वीडियो जरूर से लास्ट तक देखना, आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बना रहे हैं हेल्दी चाट। इसको हम ओडिया में चटपटी बोलते थे जब हम स्कूल में पढ़ते थे। स्कूल के बाहर एक ये बेचने वाला आया करता था, ये सब आलू मटर ये सब डाल के, और इसमें वो भी डालते थे क्यूकम्बर, बट हमारे घर में वो ककड़ी नहीं है तो इसलिए आज हम वो नहीं डाल रहे। और इसमें जाता है प्याज जो कि मैंने काट के रखा है, और हरी मिर्च, और इसमें बाद में मैं ऐड करूँगी नमक, थोड़ा सा इमली, और वो जो स्कूल के बाहर बेचते थे वो ऐसे नींबू डाला करते थे, बट अगर ज़्यादा खट्टा हो जाएगा तो मैं चेक करके बाद में डालूँगी। इसमें अभी डालना है जीरा पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर थोड़ा सा, और थोड़ा सा डालना है इसमें नमक, काला नमक, फिर हेल्दी सा चाट रेडी हो जाएगा। नमक स्वाद अनुसार, और इसमें डालेंगे जीरा पाउडर, नहीं नोड़िया पूरा पके हुए, मम्मी बोल रहे नारियल, ग्रेटेड नारियल डालने के लिए। इसमें ग्रेटेड नारियल कहाँ डालते हैं, नहीं डालते, इसलिए मैं ऐड नहीं कर रही। टेस्ट करके देखते हैं कैसा लगता है, फिर पता चलेगा क्या कम है क्या ज्यादा है, तो टेस्ट कर लेते हैं। अच्छा है, थोड़ा सा खट्टा काम लग रहा है, थोड़ा सा खट्टा ऐड करेंगे बाकी परफेक्ट। सबके लिए निकाल रहे हैं कटोरी में, अभी सभी को सर्व करना है। हाउ इज द टेस्ट? थैंक यू। अभी मम्मी, मेरी बहन और मैं रूम में बैठे थे, तो मैं मम्मी को बोल रही थी कि अभी ये खाने को मन कर रहा है, बट मम्मी ने बोला कि नहीं अभी ये नहीं करते हैं, अभी मन नहीं है, तुमको अगर करना है तो तुम जाके बना लो। मैं सोची कि नहीं बनाते हैं, रहने देते हैं, थोड़ा सा आलसपन लग रहा था, बट फिर मम्मी आके चुपके से ऐसे बना रही है, मतलब मुझे खुशी हुई कि मुझे, मतलब मैं बोल दी तो मम्मी को लगा कि मुझे मन है, तो आके चुपके से बना रही थी, तो अच्छा लगा मुझे। तो जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मेरी बहन ने चिकन बनाया था, जिसमें से थोड़ा सा चिकन बच गया है, दिखा देते हैं, इसमें है और भी दिखने रहा, तो हम सोच रहे हैं कि इसको अभी हम दोबारा से नहीं खाते हैं, क्योंकि हमने एक बिरयानी का रेसिपी देखा जो कि काफ़ी टेस्टी बना था, तो बिरयानी के आगे तो बाकी सब कुछ कम ही है, तो इसलिए हम वो ट्राई करें। बट उन्होंने ना वो बिरयानी की रेसिपी में उन्होंने रॉ चिकन यूज़ किया था, मतलब अनकुक्ड, बट ये हमारे तो कुक्ड है, तो आइडिया लगा कि थोड़ा सा बनाने की कोशिश करेंगे, अगर अच्छा बनेगा तो बताएंगे, अगर बुरा बनेगा तो भी बताएंगे, तो मैं नहीं बताऊँगी क्योंकि मैं बनाऊँगी तो मैं अच्छा ही बोलूँगी क्योंकि मैंने मेहनत करके बनाया होगा, बट मेरी बहन को बोलूँगी कि वो जेन्यून रिव्यू दें, तो बनाते हैं और फिर उसे रिव्यू लेते हैं कि कैसा बनता है, मतलब कैसा बनाया। मैं आई हूँ इधर से पुदीना लेने, और बीच में हमने कुछ बनाया नहीं था तो ये थोड़ा सा बड़ा बड़ा हो गया, वरना हम इतना बनाते थे बीच में, जब भाभी घर पे बनाती थी ना वो बिरयानी ऐसे वगैरह, तो फिर हम इसे को ही यूज़ कर लेते थे, और पूरा बिल्कुल ये ख़त्म हो गया था, बट अभी थोड़ा सा बड़ा बड़ा हो गया, मैं आज ले जाऊँगी, फिर से ख़त्म हो जाएगा, बट फिर जब हो गया फिर
मतलब थोड़ा सा उसको रेस्ट करने के लिए छोड़ेंगे। तो आज मैं ले जाती हूँ, उसको थोड़ा सा ट्रिम करना भी जरूरी रहता है ना, ताकि वो फिर से अच्छे से उगे। क्या मस्त स्मेल आ रही है, बहुत अच्छा स्मेल आ रहा है इसे। सीजे लगे तो अच्छा होता, मैं भूल गई। उसको ना लेने को मुझे मन नहीं कर रहा, क्योंकि इतना अच्छा दिख रहा है ना, अभी ले जाऊंगे तो फिर खत्म हो जाएगा। फिर ये कहाँ से उठाया, हाय सीजर लेके आती हूँ। मना पेड़ मतलब ये पूरा उठ के आ जाएगा हाथ में, क्योंकि इतना सॉफ्ट है। तो हमने बस इतना ही पुदीना लगा, इतना भी बहुत काफ़ी है, इतना बस नहीं, इतना बहुत है। तो हमारे पास जितना चिकन है और हम जितना चावल बनाएंगे तो उसके लिए इतना काफ़ी है। बिरयानी के लिए मैंने यहाँ पर प्याज भी चॉप करके पहले से रख लिया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर राइस प्रिपेयर कर रही हूँ, इसलिए मैं डालूँ एक बे लीफ और ये लौंग, और डालूँगी इसमें मैं ये दालचीनी का टुकड़ा, और कुछ पेपर कॉर्न्स भी डालूंगी, और डालूंगी इसमें एक इलायची, और डालूंगी इसमें एक बड़ी इलायची, और ये स्ट्रॉबेरीज बोलते हैं शायद इसको, मुझे अच्छे से नहीं पता। और ये डालूंगी मैं जावित्री या फिर जायत्री कुछ बोलते हैं, तो वही। और इसमें लास्ट में मैं ऐड करूंगी थोड़ा सा जीरा। मुझे मैं जीरा डाल रहा हूँ इसलिए मुझे जज मत करना, क्योंकि मुझे पता है मैं बिरयानी में कभी जीरा नहीं यूज़ करती हूँ। मतलब जीरा इसे साबुत जीरा में राइस के लिए तो कभी यूज़ नहीं किया हूँ, बट मैंने जो रेसिपी देखा था उसमें उन्होंने यूज़ किया था, तो बस इसीलिए। और थोड़ा सा ऑयल ऐड कर रही हूँ ताकि चावल आपस में लगे ना। और फिर इसमें लास्ट में मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा नहीं सारा चावल मैं इसमें डाल दूंगी अभी, तो फिर इसको कवर करके मैं कुक कर लूंगी। मैंने इसमें चावल ऐड कर लिए, अभी मैं इसको ढक लूंगी और फिर इसको कुक करूंगी। करीब 90% मैं कुक कर लूंगी, उसके बाद मैं चिकन के साथ भी कुक करने वाली हूँ, तो इसलिए मैं अभी 90% कुक कर रही हूँ सिर्फ। जब तक यहाँ पर राइस कुक हो रहा है तो मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पर मैं प्याज फ्राई कर लेती हूँ बिरयानी के लिए, इसमें डालेंगे ना, तो इसीलिए इसको गोल्डन ब्राउन करना है। जब तक ये गोल्डन ब्राउन हो रहा है तब तक मैं चेक कर देती हूँ कि चावल कितना हुआ है। नहीं हुआ है बिल्कुल, ये अभी गोल्डन ब्राउन हो चुका है, तो मैं अभी इसको निकाल लेती हूँ। मैं गैस की फ्लेम ऑफ कर रही हूँ। बहुत सुंदर भले स्मेल आई, चावल भी लग रहा है कि हो गया है। और मेरी बहन बोल रही थी कि काफी अच्छा स्मेल आ रहा है, मतलब काफी अच्छा फ्रेग्रेंस खुशबू आ रही है, तो देखते हैं लास्ट में पता चलेगा कैसा बना है। तो चावल तो करीब मुझे जितना चाहिए था उतना पक चुका है, तो मैं सोच रही हूँ कि ऊपर से ये हटा देती हूँ, वरना खाते वक्त जब ये मुंह में आता है ना तो फिर बिरयानी खाने का सारा मजा किरकिरा हो जाता है। तो मैं ये सब निकाल रही हूँ बस अभी, और उसके बाद लेयरिंग करेंगे। तो मैं ये निकाल देती हूँ जो खड़े मसाला मैंने डाला था, और इसमें बे लीफ्स भी था। कहाँ गया ये रहा, ये दालचीनी है, बे लीफ्स। तो मैं ये निकाल देती हूँ सब कुछ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो
तो बस थोड़ा सा छोटा छोटा रह गया है, जैसे पेपर कॉर्न्स हो गया या फिर ये जीरा लौंग ये सब रह गया है, तो ये रहने देते हैं। बाकी जो बड़ा बड़ा चीज़ मैंने डाला था जैसे कि ये सब, तो ये सब मैंने निकाल लिया है, तो ये सब मैंने निकाल लिया, इसको सब फेंक दूंगी। अभी मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा चिकन को थोड़ा सा बस चेंज करेंगे। मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा दही और इसमें डाल रही हूँ मैं थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, इसको मिक्स करेंगे। और लाल मिर्च डालते डालते इधर लग गया, तो काफ़ी जल रहा है, इसको मैं धो के आती हूँ। सबसे पहले इसमें डाल रही हूँ मैं थोड़ा सा बिरयानी मसाला, ये ना पहले सब मैरिनेट करके रख के फिर बनाते थे, मतलब बनाते हैं उस जैसे वो वीडियो में बना रहे थे, पर हमारा तो ऑलरेडी कुक है ना, तो मैं बस इसीलिए ऐड करूँ। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा प्याज भी, और इसमें जाएगा थोड़ा सा पुदीना पत्ता, इसको मिक्स करते हैं। इसमें जाएगा थोड़ा सा बस घी, डालेंगे बस थोड़ा सा घी फ्लेवर के लिए। तो इसको मिक्स कर लेंगे, अभी इसकी लेयरिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें चावल डालूंगी, ऊपर और मैंने अच्छे से इसको प्लेन भी कर ले। अब इसमें डालेंगे ये जो बचा हुआ था थोड़ा सा प्याज इसके ऊपर, फिर इसमें जाएगा पुदीना, फिर इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा बस कलर के लिए केमिकल होता है, बट अगर आपके पास सैफरन है तो आप यूज कर सकते हो, बट सैफरन बहुत महंगा आता है ना टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो हमारे पास नहीं है, तो यही था, तो इसे काम चला लेते हैं, इसको ज्यादा यूज नहीं करेंगे, बना खराब होता है, इतना काफी है। अभी इसको ढक्कन लगाएंगे और दम पे रखेंगे सिर्फ 5 मिनट के लिए, क्योंकि हमारा ऑलरेडी कुक होके हो गया है। और मेरी बहन ने इधर बनाया है रायता, बस दम लग जाए चिकन को, बिरयानी फटाक से बन जाए और फिर हम खाने जाएंगे। 5 मिनट ऑलरेडी हो चुका है, निकाल तो थोड़ा सा चेक कर लेंगे कि चावल बिल्कुल अच्छे से कुक हुआ है कि नहीं हुआ है। चावल बिल्कुल अच्छे से कुक हो चुका है, तो अभी मैं गैस की फ्लेम ऑफ कर दूँ, बिना नीचे से बर्नर नीचे से लग जाएगा, तो बस इसको गैस से हटा देती हूँ, फिर निकालेंगे, फिर आपको दिखाऊंगी कि कैसे बनाए। तो अभी इसको निकालेंगे और देखेंगे कैसे बनाए, शक्ल से तो बहुत अच्छा दिख रहा है, देख के बताएगा। कहाँ से निकालो, इधर से निकालते, इधर से साइड से निकालते,
हाँ ये देखो कितना अच्छा दिख रहा है। ये देखो भाव इतना निकल रहा है। देखने से तो अच्छा लग रहा है, खा के देखते हैं कैसा लगता है। कितना टेम्पटिंग तो लग रहा है, बट अभी मेरी बहन को टेस्ट करवाते हैं और पूछते हैं उससे। ठीक है, अच्छी है। नहीं जेन्युइन रिव्यू दे, ऐसा मत बोल। क्या कम हुआ है बोल? कुछ कम ही नहीं है, इसे घर में जितना अच्छा बनता है उतना ही अच्छा है। ठीक है, तो मैंने कोई एसेंस भी नहीं डाला है, नॉर्मल बस। ये पीस लेके ट्राई कर, गरम है, फूंक मार। अब बता कैसा है? और अभी मेरी बहन पूछ रही है कि मुझे मन कर रहा है कि नहीं कर रहा है इसको टेस्ट करने के लिए। मुझे सच में बहुत ज्यादा मन कर रहा है क्योंकि बिरयानी मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। सिर्फ 10 से 15 मिनट बाद देखिए, ये बिल्कुल खाली, बिल्कुल साफ। अब खाने के बाद बोल कैसा लगा। मैं नहीं बोलूंगी, आप इसे देख सकते हैं। बेस्ट कॉम्प्लीमेंट था, थैंक यू। अच्छा लगा तो सच बता, सच बता। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। इतना ठंडा रिएक्शन दे रही है तू। खाते समय उसको देखने लायक था। मैं भी बहुत अच्छे से खाई, बिल्कुल दबा के खाई, हम दोनों खत्म, सब कुछ खत्म, एकदम साफ। पूरा साफ, एक ही चावल। हाँ हाँ, थोड़ा सा बस एक दो चावल है उसे बिरयानी के तो साफ कर दिया। हाँ नहीं देखे इसलिए रह गया। प्लीज थोड़ा बोल दो लाइक सब्सक्राइब शेयर करने के लिए। मैं बोल रही हूँ तो नहीं कर रहे हैं लोग, तो बता दो तुम थोड़ा सा कि अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई हो तो प्लीज टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय दीदीज चैनल। थैंक यू। इसके बाद प्लीज सब्सक्राइब कर देना।